Now coming towards the first site or first part or the first sphere of the subject, that is money. If we look at through the definition, that is money is an economic unit that functions as a generally recognized medium of exchange for transactional purposes in an economy. पैसा जो है हम उसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम इन द लास्ट स्लाइड जब हम अपनी पूरी पैसे को एवोल्यूशन को चेंजिंग ऑफ इट्स फेजेस को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम एक कंक्लूड करेंगे इसकी डेफिनेशन को। सो अभी के लिए हम देखते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ होता है ताकि हम कोई ट्रांजेक्शन कर सकें, कुछ खरीद सकें, कुछ बेच सकें। और एक यूनिट है जो सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज हमारे पास 100 रुपए का नोट है, हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट चॉकलेट खरीदते हैं, जूस खरीदते हैं और उसको 100 रुपीज़ देते हैं। सो द काउंटर जो भी होता है उस पर शॉपकीपर वो उसको एक्सेप्ट करता है। सो बेसिकली मनी एक्ट करती है, फंक्शन करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। हम बात करें एवोल्यूशन की तो पैसा हमेशा इसी फेज में नहीं था जैसा आज मौजूद है। आज हम देखते हैं कि बैंक मनी मौजूद है, लाइक प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स मौजूद हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं, पेपर मनी मौजूद है, कॉइन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसकी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बात करें तो द फर्स्ट सिस्टम दैट वी नो इन द बॉक्स दैट इज बार्टर सिस्टम। इट देन इवॉल्व फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कमोडिटी मनी, देन मेटालिक मनी, देन पेपर मनी, देन बैंक मनी विच वी से प्लास्टिक मनी एज वेल, एंड देन द लेटेस्ट ट्रेंड इज क्रिप्टो करेंसी। सो वील स्टडी एवोल्यूशन ऑफ मनी इन दिस लेक्चर। सो बात करते हैं जी बार्टर सिस्टम के ऊपर। बार्टर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम इन विच वी एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स, और वी कैन से वी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इफ वी लुक एट बाय डेफिनेशन देन इट इज बार्टर इज एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टरिंग इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ वन गुड और सर्विस बाय वन पार्टी इन रिटर्न फॉर अनदर गुड और सर्विस फ्रॉम अनदर पार्टी। इसको मैं अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करूँ तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वीट और राइस की। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ आई हैव एन एक्सेसिव वीट और मुझे ज़रूरत है राइस की, तो मैं अपनी वीट को राइस से साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ। सिमिलर नीड अगर हम देखें, एक ऐसा बंदा जिसके पास एक्सेसिव राइस मौजूद है और उसको वीट चाहिए, तो हम दोनों आपस में एक कोइंसिडेंस रखते हैं। एक नीड है मेरी, एक नीड है उसकी, जो हम एक दूसरे की फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स विद गुड्स, प्रॉबेबली गुड्स विद सर्विसेज, सर्विसेज विद गुड्स। सो बेसिकली वी आर नॉट यूजिंग मनी, वी आर यूजिंग द सिमिलर कमोडिटीज गुड्स टू एक्सचेंज वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बहुत सारे फायदे थे बार्टर सिस्टम के, जैसा कि फुलफिलमेंट ऑफ नीड। इफ आई हैव एक्सेस वीट एंड आई नीड राइस, तो मैं बार्टर सिस्टम के थ्रू अपनी एक ज़रूरत को पूरा करता था। सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, एज सून एज आई गेट माई नीड फुलफिल्ड आई विल बी सेटिस्फाइड। इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हम इससे रिलेट करते हैं। दैट वेन एवर आई यूज़ अ प्रोडक्ट आई गेट सेटिस्फैक्शन, दैट मीन्स आई एम गेटिंग यूटिलिटी। सो आई एम वेन एवर आई एक्सचेंज अ प्रोडक्ट विद अनदर आई गेट सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मेरी एक नीड पूरी हो रही है। फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बेहतर होगा। साइकोलॉजिकली भी मैं अपने आप को बेहतर इम्प्रूव फील करूंगा बिकॉज आई हैव फुलफिल्ड अ नीड। इट कैन क्रिएट अ डीपर पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स देन अ टिपिकल मोनेटाइज्ड ट्रांजेक्शंस, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मुझे एक बंदे, मैं अपने किसी दूसरे काउंटर फेलो जिससे मैं वो प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहा हूँ, आई नीड टू हैव गुड रिलेशन सो दैट आई कैन मेक अ ट्रांजेक्शन। सो इस पर इस हवाले से मेरी एक डीपर रिलेशनशिप भी कायम होती है साथ साथ। बहुत सारे फायदे थे, वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। उन ड्रॉबैक्स में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज बार्टर सिस्टम का था, दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, जिसका मतलब ये है कि
मैं तब तक बार्टर सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता था, या मैं तब तक अपनी प्रोडक्ट को एक्सचेंज नहीं कर सकता था जब तक एक सिमिलर नीड वाला कोई इंडिविजुअल या कोई ऐसी पार्टी ना ढूंढ लूँ जिसको जिसकी नीड मेरे से ऑपोजिट है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, मेरे पास वीट है और मुझे राइस से एक्सचेंज करनी है, तो मुझे कोई ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जिसके पास राइस मौजूद है और उसको वीट चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो प्रॉब्लम था, इट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर टू द नेक्स्ट वन, जो अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, दैट इज़ कमोडिटी मनी। सो बार्टर सिस्टम का एक फ्लो, इसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट भी था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, कि कितने केजी राइस के अगेंस्ट कितने केजी वीट जो है वो मिलेगी। एंड सिमिलरली कोई मेजरमेंट का टूल नहीं था जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम से हम एवॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले गए। थर्ड वन इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया, एक प्रोडक्ट को, एक कमोडिटी को, एक गुड सर्विस को हम एक्सचेंज करते हैं दूसरी गुड्स और सर्विसेज से। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ काओ और अ लिविंग एनिमल, आई कैन नॉट सब डिवाइड इट। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हाफ दे दूँ और हाफ उससे प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लूँ, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द लिविंग एनिमल विल बी डेड। सो एक तो ये वजह है। दूसरा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ कार एंड आई हैव अ सर्टन नीड जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी में है, 2 किलो राइस चाहिए मुझे, तो मैं अपनी गाड़ी को तोड़ नहीं सकता ताकि मैं वीट ले सकूँ। सो ये भी एक बार्टर सिस्टम का फ्लॉ था। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स वर नॉट फिजिबल। इस वजह से भी कि बहुत बड़ी प्रोडक्शन अगर मैं करता हूँ और अपोजिट मेरी नीड्स स्मॉलर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर सब डिविजन के हवाले से भी बताया आपको, सो मैं बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता कि जब मुझे एक्सचेंज करना पड़ता है तो मैं अपनी कॉस्टली प्रोडक्ट एक चीपर या इकोनॉमिकल प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकता। सो व्हेन देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, कीपिंग इन व्यू द डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वी इवॉल्व थ्रू द प्रोसेस एंड वी मूव्ड टूवर्ड्स कमोडिटी मनी। नाउ व्हाट इज़ कमोडिटी मनी? बिफोर गिविंग यू द कॉन्सेप्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू टू अ क्विक एक्टिविटी। मैं 5, 6 या 7 चीज़ों के नाम लेता हूँ, यू जस्ट हैव टू रेट इट और यू जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत की है और कौन सी चीज़ सबसे कम ज़रूरत की है। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पहले हमें अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि हम एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अ पेंडेमिक इन सोसाइटी, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कोविड वायरस, तो इस सिचुएशन ही के एग्जाम्पल से आप प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। मैं आपको 6-7 चीज़ें बताता हूँ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एंड सो ऑन। फर्स्ट प्रोडक्ट वाटर, पानी, वीट गंदम, राइस चावल, सिमिलरली वी हैव डेट्स खजूर, गोल्ड सिल्वर, लैपटॉप आईफोन। नाउ थिंकिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, दीज कमोडिटीज, प्रायोरिटाइज करें कि आज की डेट में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है। ओके, नाउ जस्ट टेक एन अदर एग्जाम्पल, इसी के व्यू में हम आके देखते हैं। खुदा नहास्ता, अल्लाह ना करे, इमरजेंसी सिचुएशन नाफिज हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ मार्केट में कमोडिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ ख़त्म होती चली जा रही हैं, कर्फ्यू की पोजिशन आ गई है। अब क्या वही प्रायोरिटीज़ रहेंगी जो आपने पहले से सोची थी? क्या अभी भी एक आईफोन या एप्पल आपके लिए पहले नंबर पे होगा, या गंदम या पानी आपके लिए पहले नंबर पे होगा? सो अगर इस हवाले से देखा जाए तो आप इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसकी ज़रूरत हर वक्त मौजूद रहती है, चाहे आप लग्जरी आइटम्स की तरफ भी चले जाएं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसा कि इस एग्जांपल में पानी, गंदम, चावल, इस किस्म की चीज़ें थी। सो यही चीज़ तब भी नोटिस की गई कि बार्टर सिस्टम में कुछ चीज़ें, कुछ कमोडिटीज़, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिनकी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती थी।
उन्हीं चीज़ों को पैसा समझा जाने लगा, उन्हीं चीज़ों को पैसे के तौर पे ट्रेड किया जाने लगा। दैट मीन्स कि अब अगर आपके पास कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं भी मिल रही, डबल कोइंसिडेंस वाला बंदा नहीं भी मिल रहा, बट स्टिल यू हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली। सो जब वो यूनिवर्सली या सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वही चीज़ पैसा बन गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। वी कैन डिफाइन कमोडिटी मनी एज अ फिजिकल गुड दैट कंज्यूमर्स यूनिवर्सली यूज टू ट्रेड फॉर अदर गुड्स। सो उस ज़माने में यही जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, वीट, राइस, डेट्स, बार्ले, गोल्ड, ये चीज़ें जो हैं वो पैसे के तौर पे यूज़ की जाने लगी, और इस एज को, इस एरा को हम कमोडिटी मनी के नाम से जानते हैं। फिर जब कमोडिटी मनी एवॉल्व हुई, उसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम पेरिशेबिलिटी का था। जैसे गंदम है, जैसे चावल हैं, जैसे बार्ले हैं, जैसे डेट्स हैं, ये सारी पेरिशेबल आइटम्स हैं। पेरिशेबल आइटम्स वो होती हैं जो बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे नहीं कर सकती, महफूज नहीं रह सकती, प्रिजर्व नहीं की जा सकती, बल्कि एक सर्ट जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। सो इनको पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं। सो पेरिशेबिलिटी की वजह से कमोडिटी मनी में भी बहुत से फ्लॉज आना शुरू हो गए। यहाँ से फिर एक हम एक नई एज की तरफ एंटर हुए, विच इज़ कॉल्ड मेटालिक मनी। अगेन कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो आज भी और उस ज़माने में भी एक्सेप्टेबल थी, जैसा कि गोल्ड, जैसा कि सिल्वर। इसकी अहमियत हमेशा से कायम थी, बादशाहों के ज़माने से लेके अब तक। सो उन्हीं कमोडिटीज़ में से गोल्ड और सिल्वर को पैसे के तौर पे यूज़ किया जाने लगा, मेटल्स को, इन चीज़ों को पैसे के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। सो अगर हम पढ़ें यहाँ पे, आफ्टर कमोडिटी मनी इकोनॉमी वाज स्टिल फेसिंग पेरिशेबिलिटी प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो द एरा मूव फ्रॉम कमोडिटी मनी टू मेटालिक मनी। सो गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स वर द कमोडिटी और द मनी एट द एरा। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाएं, तो मेटल्स हैव बीन यूज्ड एज मनी थ्रू आउट हिस्ट्री। एज अरिस्टोटल ऑब्जर्व, द वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर नॉट ईजिली कैरिड अबाउट, एंड पीपल एग्री टू एम्प्लॉय इन देयर डीलिंग्स विद ईच अदर समथिंग दैट वॉज इंट्रेंसिकली यूजफुल एंड ईजिली एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल टू द पर्पज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर एंड द लाइक। सो अगेन, एक वो चीज़ जो दुनिया में एक्सेप्टेबल है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, या ट्रेड की जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है, सो उसको भी पैसे के तौर पे यूज़ किया जा रहा था, जो कि मेटल्स थे, जैसा कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की चीज़ें। मेटालिक मनी की कुछ टाइप्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से दो बेसिक टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फुल बॉडीड मनी एंड द सेकेंड वन इज़ टोकन मनी। फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू उसकी एक्सट्रेंसिक वैल्यू के बराबर होती है। दैट इज़ हैविंग इंट्रेंसिक वैल्यू इक्वल्स टू दैट ऑफ एक्सट्रेंसिक वैल्यू, वेयर एज द टोकन मनी इज़ जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कम होती है और एक्सट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है, या वाइस वर्सा, एक्सट्रेंसिक वैल्यू एक्सट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज़ इंट्रेंसिक एंड व्हाट इज़ एक्सट्रेंसिक वैल्यू, इसका कॉन्सेप्ट अब हम लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू अ परसेप्शन ऑफ द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन ऑफ ₹5 इज मेड ऑफ द मेटल विच एक्चुअली यूज मटीरियल ऑफ ₹3, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपने अपनी लाइफ में कॉइन्स मुख्तलिफ देखे होंगे, ₹1 का, ₹2 के, ₹5 के, एंड ₹50 या ₹10 का कॉइन भी। एक उस कॉइन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, या वो वैल्यू है जितने की वो बाइंग पावर रखता है। जैसा कि एक ₹10 का कॉइन है, तो हम उससे ₹10 की अशिया खरीद सकते हैं, ये उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। और वो ₹10 का कॉइन जितने रुपए के मेटल से बना है, जितने रुपए का मटेरियल उस पे यूज़ हुआ है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो अगर मैं एग्जांपल इस तरह कोट करूं कि ₹10 के कॉइन के ऊपर जो मेटल यूज़ हुआ है वो ₹3 का है, तो ₹3 उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है और ₹10 उसकी एक्सट्रेंसिक वैल्यू है। सो इस कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम इस पे थोड़ी सी मज़ीद बात करें,
तो फुल बॉडीड मनी एक छोटी इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, फुल बॉडीड मनी एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी ज़रूरियात महदूद हैं, इकोनॉमी की नीड्स महदूद हैं, तो फिर शायद फुल बॉडीड मनी काम कर सकती थी, जो कि किया कुछ अर्सा। बट जैसे जैसे इकोनॉमी ने ग्रो किया, वैसे वैसे ये मिनरल्स, ये धात, ये मेटल्स कम होना शुरू हो गए, क्योंकि इनको एक्सप्लोर किया जाता है, इनको डिग आउट करके उनको फिर से निकाला जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में फुल बॉडीड मनी को बहुत लंबे अरसे तक यूज़ नहीं किया जा सका, और चीज़ें टोकन मनी की तरफ मूव कर गई, कि कम चीज़ से उस पैसे की जो वर्थ है, जो फेस वैल्यू है, वो ज़्यादा कर दी गई, सो दैट इकोनॉमी की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस में जैसे पेरिशेबिलिटी वाला प्रॉब्लम कम हो गया, ख़त्म हो गया, सिमिलरली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस अभी भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। फॉर एग्जांपल, पहला है डिफ़िकल्ट टू कैरी। अब आप समझें, एज्यूम करें कि आपको किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो क्या 1 लाख के कॉइन्स दिए जा सकते हैं? सो इट्स फर्स्टली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी। नंबर टू, अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि हमारे पास इतने गोल्ड सिल्वर मौजूद नहीं है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी की नीड को फुलफिल कर सकें। सो अवेलेबिलिटी भी कम है। इनकैपेबल ऑफ कैटरिंग इकोनॉमी नीड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वैल्यू ऑफ मनी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वेयर एंड टेयर। इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक वेयर एंड टेयर को हम टेक्निकली डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एक सर्टन टाइम पीरियड के यूजेज के बाद उसमें जो खराबी, उसकी एक्चुअल वर्थ में कमी, जो वेयर एंड टेयर आती है, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। सो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जब यूज़ होते थे, उनमें भी डेप्रिसिएशन होती थी, जिसकी वजह से उस पैसे की वर्थ, उस पैसे की एक्चुअल मालियत कम होना शुरू हो जाती थी। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे मेटालिक मनी के। देन द एरा मूव्ड फ्रॉम मेटालिक मनी टू द पेपर मनी। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे मेटालिक मनी के, बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ साथ ड्रॉबैक्स थे, और यही ड्रॉबैक्स लीड किए एक नए एरा की तरफ, जिसको हम पेपर मनी का नाम दे रहे हैं। इस पेपर मनी के एरा और एवोल्यूशन के अंदर गोल्ड स्मिथ ने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया। गोल्ड स्मिथ्स वो लोग होते हैं जो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाते हैं गोल्ड के थ्रू, जिसको हम आसान उर्दू के लफ्ज़ में सुनार का नाम देते हैं। सो इनका रोल बहुत अहम था पेपर मनी की दफ़ा। जो गोल्ड स्मिथ का रोल जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, यही एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है, और ये चीज़ें, ये ऑब्जर्वेशंस, ये बातें हम तब भी डिस्कस करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको कोशिश करें कि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए, ताकि हम बाद में आने वाले लेक्चर्स के लिए इसको एक बेस बना के आगे चल सके। सो गोल्ड स्मिथ, जब मेटालिक मनी यूज़ हो रही थी, लोगों के पास गोल्ड और सिल्वर मौजूद था, तो बहुत एक्सेस गोल्ड जिनके पास मौजूद होता था, वो उसको सेफ कीपिंग के लिए गोल्ड स्मिथ को डिपॉजिट करवा देते थे, कीपिंग इन व्यू के गोल्ड स्मिथ वो लोग हैं, एक तो वो ट्रस्टवर्दी होते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो ऑलरेडी अपने पास गोल्ड रखते थे, सो उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स या उनका जो एक सेफ्टी के मेजर्स हैं, वो बेहतर थे कंपैरेटिव टू अ कॉमन मैन, अ कॉमन पर्सन। सो इन दैट सिनेरियो, जो जब ट्रेड की जाती थी, मेटालिक मनी यूज़ की जाती थी, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेस गोल्ड और सिल्वर स्टोर किया हो जाता था, तो थेफ्ट और रॉबरी से बचने के लिए, किसी भी किस्म की अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचने के लिए, उस तमाम पैसे को, जो कि उस वक्त का मनी, जो मेटालिक मनी पैसा था, उसको गोल्ड स्मिथ को सेफ कीपिंग के लिए जमा करवा दिया जाता था। वो जो गोल्ड स्मिथ थे, वो जब गोल्ड या सिल्वर रिसीव करते थे, तो उसके अगेंस्ट एक पेपर, एज एन एविडेंस दैट यस वी हैव रिसीव्ड सो मच सो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर और मेटल, और वो पेपर इशू कर दिया जाता था। नाउ दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ द पेपर मनी। वो एविडेंस, जो पेपर है, वो लोग अपने पास सेफ रखते थे, ताकि जब भी कभी वही मेटल्स या डिपॉजिट जो उन्होंने करवाया होता था, अपनी बिलोंगिंग को विदड्रॉ करवाना होता था, तो वही पेपर गोल्ड स्मिथ के पास ले जाते थे, और गोल्ड स्मिथ उनको उनका रिक्वायर्ड डिपॉजिट या जो गोल्ड होता था उसमें से, या सारा या जितना भी रिक्वायर्ड होता था, वो दे दिया जाता था। सो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं।
कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ गोल्ड मौजूद होता था जिससे वो पैसे के तौर पे यूज़ करके मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करता था. नाउ एज्यूम मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, टू पर्सन्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन इन विच मिस्टर ए इज़ द सेलर एंड मिस्टर बी इज़ द बायर. सो दैट मीन्स जब मिस्टर बी कोई चीज़ खरीदेगा तो वो पेमेंट करेगा मिस्टर ए को जो कि सेलर है. अब हम वही गोल्ड स्मिथ वाली एग्जाम्पल पे जाते हैं. लेट्स से कि मिस्टर बी ने जो पेमेंट करनी है वो पेपर लेके एविडेंस जो था जो गोल्ड स्मिथ ने दिया हुआ था, गोल्ड स्मिथ के पास जाता था. गोल्ड स्मिथ से वो गोल्ड वापस डिमांड करता था. लेट से उसने 10 तोले डिपॉजिट करवाया था और 2 तोले उसने वापस मांगा. वो 2 तोले गोल्ड उसने जब चीज़ खरीदी तो मिस्टर ए को दी और मिस्टर ए ने वही 2 तोला गोल्ड दोबारा जाके गोल्ड स्मिथ को जमा करवा दिया. सो एक्चुअली मिस्टर बी से गोल्ड निकल के मिस्टर ए के पास आ गया, लेकिन बैक एंड पे वो फिजिकली विड्रॉ हुआ, फिजिकली ट्रांसफर हुआ और फिर से वो जमा हो गया. कुछ अर्सा ये टाइम चलने के बाद जब लोगों ने एनालिसिस किया कि गोल्ड एक्चुअली तो वो मूव करके गोल्ड स्मिथ के पास ही चला जाता है, सो लोगों ने उसी एविडेंस को, एविडेंस वो जो गोल्ड जमा करवाया जाता था गोल्ड स्मिथ को और गोल्ड स्मिथ एक पेपर देता है एविडेंस के तौर पे, वो पेपर्स ही एक दूसरे से एक्सचेंज करना शुरू कर दिए. एंड दिस वॉज एक्चुअली द एवोल्यूशन ऑफ पेपर मनी. अगर आज की हम बात करें, हमारे हाथों में जो पेपर मनी है, जो 100, 200, 100, 1000, 500 के नोट्स हैं, ये सारे जो पैसे हैं इनकी बैक पे कोई गारंटी है, कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कुछ रिजर्व्स हैं, बट एक्चुअली जो पेपर है दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है. तो सो ये एवोल्यूशन ऑफ पेपर मनी थी. तो अगर हम वर्बली इसको पढ़ें, पीपल यूज टू ट्रांजेक्ट थ्रू गोल्ड स्मिथ एंड देन दीज रिसीट्स जो मैंने आपको भी बताई प्रूव टू बी द फर्स्ट यूज ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ पेपर. पेपर मनी की 3 बेसिक टाइप्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी एंड फिएट पेपर मनी. सो वन बाय वन सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. इट इज एन आइटम सच एज अ टोकन और पीस ऑफ पेपर दैट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट कैन बी एक्सचेंज्ड ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट डज हैव इंट्रिंसिक वैल्यू सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर एक्सेट्रा. इट इज फुली बैक्ड बाय अंडरलाइंग कमोडिटीज. सो अगर हम उन्हीं पेपर की बात करें, उसी एविडेंस की बात करें जो गोल्ड स्मिथ देता था, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी कह सकते हैं कि जितने का वो पेपर था उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई नहीं थी, लेकिन जो वो बैक एंड पे अंडरलाइंग कमोडिटी की वर्थ रखता था वो एग्जैक्टली 100% थी कमोडिटी के. यानी कि अगर आज की बात करूं, मैं 100 रुपए का नोट सेंट्रल बैंक इशू करता है और उसकी बैक पे एग्जैक्टली 100% 100 रुपए की ही वैल्यू का गोल्ड रखा जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. द नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्टेबल पेपर मनी. कन्वर्टेबल पेपर मनी इज अगेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यही एक्सेप्टेबल है और यही चलता भी है प्रोसेस. इसका मतलब है कि आपका जो पीस ऑफ पेपर है या जो पेपर मनी है वो कन्वर्टेबल तो है किसी मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में, या ऐसी कमोडिटी या ऐसी करेंसी में जो दुनिया में एक्सेप्टेबल है, लेकिन नॉट अप टू द 100%. सो ऐसा पेपर मनी जो के बैक एंड पे कोई ना कोई वर्थ है, अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी बैक पे अगर आप चाहें तो उसको कन्वर्ट जरूर करवा सकते हैं किसी ऐसी कमोडिटी में जैसे गोल्ड और सिल्वर मैंने बताया, जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है. ऐसे मनी को हम कन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं. फिएट पेपर मनी, फिएट पेपर मनी एक्चुअली ट्रस्ट मनी भी कहलाती है, फिएट ट्रस्ट को कहते हैं. पाकिस्तान के अंदर आज कल जो करेंसी हम यूज करते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिएट पेपर मनी. आप देखते हैं नोट के ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबा पे अदा किया जाएगा, जिसका मतलब है इफ यू वांट, इफ यू डिजायर, देन द सेंट्रल बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक के साइन हुए थे उसके ऊपर. सो द गवर्नर और द सेंट्रल बैंक विल कन्वर्ट दैट पेपर मनी इनटू समथिंग व्हिच हैज इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर. बट प्रैक्टिकली इसकी बैक पे कोई स्पेसिफिक
गोल्ड या सिल्वर नहीं रखा जाता, इट इज ओनली अ ट्रस्ट दैट वी पीपल इन पाकिस्तान हैव ओवर द गवर्नमेंट, ओवर द सेंट्रल बैंक, ओवर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो ऐसा पैसा, ऐसी पेपर मनी जिसके बैक पे सिर्फ ट्रस्ट मौजूद है कि अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसको हम फिएट पेपर मनी कहते हैं. बहुत सारे फायदे थे. अगर हम कंपेरेबली बात करें तो मेटालिक मनी के निस्बत इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान था, इकोनॉमी की नीड पूरी हो रही थी, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, सो बहुत ज़्यादा हमें मटेरियल नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा ऐसा मेटल नहीं चाहिए इसको बनाने में, सो ग्रोइंग इकोनॉमी की नीड को फुलफिल करने में पेपर मनी ने हेल्प की. लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. उसमें से पहला डिसएडवांटेजेस में से पहला है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्टेबिलिटी. अगर हम बात करें पाकिस्तानी करेंसी की, इट इज एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान, प्रोबेबली एक्सेप्टेबल इन बांग्लादेश इफ बांग्लादेश कैन कन्वर्ट इट इन टू इट्स ऑन करेंसी. डॉलर की बात करें ग्लोबली एक्सेप्टेबल है क्योंकि हर मुल्क डॉलर को एक्सेप्ट करता है और उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करता है. लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिसकी करेंसी को बाकी दुनिया में शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाता. लाइक इफ यू टॉक अबाउट मे बी लेट्स से केनियन करेंसी, सो मैं केनिया की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, सो इट आई हैव अ राइट बिकॉज इट्स नॉट द करेंसी ऑफ माई कंट्री. सो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्टेबिलिटी वाला जो डिसएडवांटेज है इट इज़ देयर. ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली इट्स सिंपली अ पेपर, इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन वेयर एंड टियर. इन्फ्लेशन हो सकती है. जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी की नीड को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट इशू किए जाते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, सो नोट इशू किए जा सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई लीड करती है इन्फ्लेशन की तरफ. वेयर एंड टेयर वाला इशू इसी था. एंड सोर्स ऑफ करप्शन, बहरहाल ये सब टाइप्स में हो सकता है लेकिन यहाँ पे कंपेरेबली थोड़ा इजी था बिकॉज इट इज इजियर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर हम बात करते हैं बैंक मनी. अगेन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई पैसे की, जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आते गए वैसे वैसे सॉल्यूशंस मिलते गए. सो बैंक मनी में अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया बैंकिंग को इवॉल्व करने में गोल्ड स्मिथ ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. और आजकल की जो मॉडर्न बैंकिंग है ये भी बेस करती है एग्जैक्टली उन्हीं प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं अजम्पशंस पे, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे जो गोल्ड स्मिथ ने खुद से ऑब्जर्व की थी. अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या है हम उनको पढ़ने की तरफ जाएंगे और यही एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग की तरफ भी होगा. उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड स्मिथ ने ऑब्जर्वेशंस की और वो ऑब्जर्वेशंस जो बैंकिंग लेट डाउन करने का बाइस बनी. उसमें से पहली ऑब्जर्वेशन है नॉट ऑल पर्सन्स हु डिपॉजिट देयर गोल्ड कम टू टेक देयर गोल्ड बैक. सो लेट्स से अगर 100 लोगों ने गोल्ड जमा करवाया है गोल्ड स्मिथ को तो वो सब के सब इकट्ठे नहीं आते गोल्ड वापस लेने. हो सकता है उसमें से 2 को जरूरत पड़े, 5 को, 10 को, 15 को, बट दे ऑब्जर्व दैट ऑल द पर्सन्स हु हैड डिपॉजिटेड देयर बिलोंगिंग्स दैट इज गोल्ड वो सब के सब इकट्ठा लेने नहीं आते. पहली ऑब्जर्वेशन. दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर वो लोग अपना गोल्ड वापस लेने आते हैं तो वो सेम वैल्यू डिमांड करते हैं, सेम पीस ऑफ गोल्ड डिमांड नहीं करते. इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो आज अगर हम बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाते हैं और जब हम विदड्रॉ करवाने जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमें वही 5,000 का नोट नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहें तो 5,000 वाले नोट ले लें, चाहें तो 10-500 वाले नोट ले लें. सो एक्चुअली वी नीड द सेम वैल्यू, नॉट द सेम पीस ऑफ पेपर. सेम वॉज द केस जो गोल्ड स्मिथ ने भी ऑब्जर्व किया. एंड लास्टली ये रिलेट करेगा पहले वाले ऑब्जर्वेशन के साथ. पहली वाली ऑब्जर्वेशन थी कि सब के सब लोग इकट्ठे गोल्ड वापस लेने नहीं आते और ये वाली ऑब्जर्वेशन है कि अगर सब के सब लोग भी आ जाएं, दैट मीन्स पहली वाली ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए, सब के सब लोग भी अपना गोल्ड वापस लेने आ जाएं तो सारे का सारा गोल्ड वापस नहीं लेने आते. सो 3 ऑब्जर्वेशंस. इन तीनों ऑब्जर्वेशंस की बेस पे गोल्ड स्मिथ ने अपने वही गोल्ड जो सेफ कीपिंग के लिए रखा गया था, जो लोगों ने जमा करवाया था, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. कि सब लोग तो वापस लेने आएंगे नहीं इकट्ठे और सेम पीस भी डिमांड नहीं करेंगे, और अगर सब आ भी जाएं तो सारा तो डिमांड नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ गोल्ड हमेशा से ऐसा रहेगा जो एक्सेस पड़ा रहेगा, जो ज्यादा मौजूद होगा. सो उस गोल्ड को गोल्ड स्मिथ ने
अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना शुरू कर दी। और आज अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यही बैंकिंग में भी हो रहा है कि पैसा जमा करवाते हैं लोग, बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी पे करता है अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, और उसके बाद अगर बैंक उसको फर्दर इन्वेस्ट ना करे, लेंड ना करे, तो ये तो बैंक का एक्सपेंस है बिकॉज बैंक तो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो बैंक को उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए उसको आगे फर्दर या तो इन्वेस्ट करना पड़ता है या लेंड करना पड़ता है। सो दैट मीन्स बैंक बोरो करता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उसको लेंड करने की कोशिश करता है बेटर और इंक्रीज्ड और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इन दोनों रेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। हम इस बैंकिंग की बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। बहरहाल यही गोल्डस्मिथ की ऑब्जर्वेशंस थी जो बैंकिंग का बायस भी बनी, पेपर मनी का बायस भी बनी। सो बैंक मनी, दीज अजम्पशंस लेड टू टुडे मॉडर्न बैंकिंग। जैसे मैंने आपको बताया, पीपल डिपॉजिट मनी विद द बैंक एंड बैंक लेंड्स इट टू अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु नीड्स मनी। और ये जो डिफरेंस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का बोरिंग में और लैंडिंग में, यही बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक मनी की बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ATM, डेबिट क्रेडिट कार्ड जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। ये क्या होते हैं? डेबिट, मैं बहुत ब्रीफ सी अभी बता देता हूँ डिटेल इसकी, हम बैंकिंग में पढ़ेंगे। डेबिट कार्ड वो होता है जो कस्टमर अपने अकाउंट में प्रीपेड जो उसने पैसा जमा करवाया होता है, अपना ही पैसा विड्रॉ करने के लिए जो कार्ड यूज़ करता है उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। और ऐसा कार्ड जो कस्टमर का अपना पैसा नहीं होता बल्कि बैंक उसको लेंड कर रहा होता है, बैंक उसको फाइनेंस कर रहा होता है या बैंक उसको क्रेडिट उधार दे रहा होता है एक सर्टन ट्रांजैक्शन के लिए, एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मिस्टर ए ने अपने अकाउंट में बैंक अल हबीब में 1,00,000 रुपये जमा करवाया, वो एक ग्रोसरी स्टोर पर गया और उसने अपना एक डेबिट कार्ड दिया, जो काउंटर पे है वो उसको स्वाइप करेगा और पैसे डिडक्ट होंगे उसी 1,00,000 रुपये में से जो मिस्टर ए ने अपने अकाउंट में जमा करवाए थे। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डेबिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो कस्टमर को, या चले सेम एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए को बैंक अपने पास से क्रेडिट की, उधार की एक लिमिट देता है कि आप जब चाहें 1,00,000 रुपया यूज कर सकते हैं, बैंक आपको अपने पास से वो देगा। अब मिस्टर ए ने, क्रेडिट कार्ड की एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मिस्टर ए ने कोई भी पैसा अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाया लेकिन उसके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है। क्रेडिट कार्ड का ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, सो वो प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड अलबत्ता मिस्टर ए के पास मौजूद है। अब मिस्टर ए ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, बहुत सारी ग्रोसरीज करता है और काउंटर पर वो कार्ड प्रेजेंट करता है, काउंटर पर जो कैशियर है वो स्वाइप करता है कार्ड को और पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अब ये वो पैसा है जो बैंक पैसों में से डिडक्ट हुआ, मिस्टर ए का अपना जाती पैसा नहीं था, सो इसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। फिर बायोमेट्रिक्स आपने देखा, ये भी ऑप्शंस अब एटीएम्स में मौजूद हैं, रेटिना स्कैनिंग बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में मौजूद है और क्रिप्टो करेंसी इज अगेन द लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी विच इज वेरी मच इन हाइप इन दीज डेज। सो इन सारी चीजों को अब अगर हम कंक्लूड करें, पैसा क्या था, पैसा किस शेप से कैसे चेंज हुआ, लाइक बार्टर सिस्टम, देन कमोडिटी मनी, देन मेटालिक मनी, देन पेपर मनी, फिर बैंक मनी, और बैंक मनी के अंदर भी बेतहाशा टाइप्स थी, बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट्स थे, बेतहाशा तरीक़ाकार थे। सो अगर हम इन सब चीज़ों को कंक्लूड करें तो कुछ चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो हर मॉड में मौजूद होनी चाहिए थी, या आज अगर हम पैसे की डिफाइन करें तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैसे में मौजूद होनी चाहिए। पहली है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो अ मनी मस्ट हैव द एबिलिटी टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मैं 100 रुपए का नोट देता हूँ और उससे मैं कुछ चीजें खरीद लेता हूँ, सो पैसे ने बिहेव किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन स्टोर ऑफ वैल्यू, एक मैंने आज 1,00,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, अपने घर में पास रख लिया सो दैट आई कैन यूज इट इन फ्यूचर, सो मैंने एक वैल्यू को स्टोर किया। सो पैसे में एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है, होनी चाहिए, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। देन इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, आई नो 100 रुपीज हैज अ वैल्यू एंड हाउ मच वैल्यू डज इट हैव,
सिमिलरली रुपीज़ 500, रुपीज़ 1000, सो इट्स अ स्टैंडर्ड. आई कैन बाय लेट से 10 प्रोडक्ट्स इन 100 रुपीज़, सो आई कैन बाय हाउ मच कमोडिटीज इन 1000, इट इज़ अ स्टैंडर्ड. सो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट इज ऑल्सो, दिस शुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक इन मनी. एंड लास्टली स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मीन्स के आपने आज कंजम्पशन कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो लेटर स्टेज पे करनी है, डेफर कर दी, आने वाले वक्त में करेंगे. बैंकिंग की इसमें एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आज मैं बैंक में पैसे जमा करवाता हूँ तो बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, मुनाफा देता है, प्रॉफिट देता है, मार्कअप देता है. वो मार्कअप इसी बेस पे देता है कि मैंने बैंक को पैसा दिया, बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा और वो पैसा जब मुझे वापस मिलेगा तो कुछ इंक्रीज्ड मिलेगा. या दूसरे सिनेरियो में बात करते हैं कि मैं आज किसी को उधार देता हूँ और मैं कहता हूँ 1,00,000 रुपया मैं आज दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपसे वापस लूंगा 2 साल बाद तो 1,10,000 रुपये लूंगा, क्योंकि तब तक इन्फ्लेशन की वजह से मेरी पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी. सो डेफर्ड पेमेंट पे भी मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ कि हर साल मैं आपसे या हर 2 साल या हर 3 साल इतने परसेंट एक्स्ट्रा लूंगा. आप 1 साल में पे करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा होगा, 2 साल में पे करेंगे तो इसी तरह एक्सप्लेनेंशियली वो बढ़ता जाएगा. सो चार चीजें ऐसे में होनी चाहिए. इट शुड बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट शुड हैव स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, एंड इट मस्ट बी एबल टू be identified as standard of deferred payment. So ये चार चीजें मौजूद हैं तो हम उसको कहते हैं this is money. तो conclusion की तरफ जाते हैं जी. ये सब चीजें जो पैसे की हमने definition पढ़ी, उनकी characteristics को समझा और एक evolution पढ़ी कि पैसा कैसे barter system से आज latest trend के ऊपर चल रहा है. I hope कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ आ गई होंगी, और जो नहीं समझ आई would request you people कि आप उनको note down कर लें और मेरे साथ share कर लें, so that we can डिग इट आउट और उसके ऊपर मजीद क्लैरिफिकेशंस दी जा सके. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करेंगे टूवर्ड्स द मॉनिटरी पॉलिसी, बिकॉज ये एक रिलेट करता है पैसा क्रेडिट मनी सप्लाई के साथ मार्केट में, और सिमिलरली इन्फ्लेशन की तरह आता है और फिर वो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी आती है. सो वील टॉक अबाउट इट एंड देन वील मूव टूवर्ड्स द बैंकिंग एंड द फाइनेंस साइड. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. थैंक यू.